गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, आप डिस्कस करेंगे जी आप इकोलॉजी दे फर्स्ट टॉपिक है। मेजरली जो इकोलॉजी है जी, अगर आप गल करें इकोलॉजी दे विच, आप फोर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। उनके विच फर्स्ट है जी ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। सो अज आप गल करेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन बारे, इस टॉपिक नूं आप डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सो करते हैं शुरू इस टॉपिक ऑर्गेनिजम्स एंड द पॉपुलेशन, क्योंकि बहुत सिंपल है जी वाली यूनिट है इकोलॉजी, इट इज क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल यूनिट हैगी है, जो कि स्कोरिंग भी होंगी है। जेकर इस क्वेश्चन आ जाता तो डेफिनेटली स्कोरिंग क्वेश्चन होएगा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन आता जेकर इस आता है। क्लियर? सो करिए जी शुरू। ओके, सो द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी, कहते ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जो स्टडी करती है किसकी, इंटरैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, एक ऑर्गेनिजम की इंटरैक्शन की किवें इंटरैक्ट करता है, किवें डील करता है विद इट्स एनवायरमेंट, इज कॉल्ड द इकोलॉजी। जिवें आप गल करी ओपी ईपी ऑडम डिफाइन किया उन्होंने, इट इज एज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर, ठीक है जी। इकोलॉजी ने डिफाइन किया उन्होंने स्टडी कि स्ट्रक्चर की फंक्शन ऑफ नेचर की। एक जी टर्म्स इकोलॉजी वो किसने दी थी, ये पेपर पी वाई क्यू बनता है जिस इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पी वाई क्यू बनया हो। सो इकोलॉजी वॉज क्वाइंड बाय द अर्नेस्ट हैकल, जी टर्म सी ये अर्नेस्ट हैकल ने आपां नूं दित्ती सी। प्रॉपरली यूज एंड डिस्क्राइब बाय द राइटर, प्रॉपरली जी यूज की डिस्क्राइब की राइटर ने की। फादर ऑफ इकोलॉजी जेकर आप गल करिए, हू इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, इट इज द प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा भगवान राम है ना, जंगल च रहे थे तो कह सकते हो इकोलॉजी जब लिविंग दे डिस्कस कर दे। सो रामदेव मिश्रा तो तुम याद कर सकते हो, इट ही इज द इंडियन, ठीक है जी। ए इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया सीगा ना कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो नेक्स्ट है जी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। हुण इकोलॉजी दे विच अगर आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की गल करिए, एक ऑर्गेनिजम तो शुरू करते हैं। ऑर्गेनिजम की होंगे, बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी, बेसिक यूनिट है जिसकी स्टडी करते हैं आप इकोलॉजी इज द ऑर्गेनिजम। सब तो पहले आप ऑर्गेनिजम्स बारे पढ़ते हैं, ऑर्गेनिजम किस तरह बिहेव करता है, किवें बिहेव करता है, किवें नहीं बिहेव करता, किवें लिविंग नाल इंटरैक्ट करता है, तो किवें नॉन लिविंग दे नाल इंटरैक्ट करता है। सो ऑर्गेनिजम एक एक बेसिक यूनिट हैगी है स्टडी दी इकोलॉजी दे विच। जेकर अगर आप गल करिए पॉपुलेशन की, तो नम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज इनहिबिटिंग अ गिवन एरिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ह्यूमन की पॉपुलेशन की गल करते हैं, तो आप काउंट करते हैं कि किन्ने ह्यूमन इस रीजन के अंदर प्रजेंट है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम एनी सिटी, तो तुम देख सकते हो उस किन्ने ह्यूमन है वो ह्यूमन की पॉपुलेशन ऑफ सिटी की, ठीक है जी। जेकर आप डॉग्स की पॉपुलेशन करनी है, तो आप डॉग्स की गल करा, उस कैट की गल नहीं करा। कहते पॉपुलेशन की होंगे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज इनहिबिटिंग द गिवन एरिया। नेक्स्ट है जी कम्युनिटी, नेक्स्ट की है जी कम्युनिटी। कम्युनिटी की है असेंबलेज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की असेंबलेज लिविंग अंडर सम सेट ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशंस इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, कुछ अंडर कहते कि असेंबलेज करना डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन की, ठीक है जी। लिविंग अंडर द सेम सैट ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन, मान लो एक सिटी हैगी उस डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन, कैट की पॉपुलेशन हैगी है, डॉग की पॉपुलेशन हैगी है, ह्यूमन बींग्स की हैगी है, रैट की हैगी है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन लिविंग अंडर द सेम सैट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, सेम सिटी के जो एक दूजे इंटरैक्ट करते हैं उसको आप कह दें जी कम्युनिटी कह दें, उसको आप कह दें डियर कम्युनिटी कह दें, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर आप गल करिए, नेक्स्ट इज अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी दैट हैज एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी दैट हैज अ डिस्टिंक्ट स्पीशीज नॉन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, जिस दे विच डिस्टिंक्ट स्पीशीज दी कंपोजिशन ते स्ट्रक्चर होंदा, ठीक है जी। नेक्स्ट आप डिस्कस करांगे व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की होंदा। कहिंदे कम्युनिटी इंटीग्रेटेड, कम्युनिटी दा इंटीग्रेट करना विद फिजिकल एनवायरमेंट, ठीक है जी, थ्रू एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी एंड रीसाइकलिंग ऑफ द एनवायरमेंट। कहते फिजिकल एनवायरमेंट नाल इंटीग्रेट करना, कम्युनिटी इंटीग्रेटेड विद द फिजिकल एनवायरमेंट। कहते फिजिकल एनवायरमेंट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स नाल इंटीग्रेट करना, क्यों किस दे लई, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी दे लई, रीसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे लई, मतलब नॉन लिविंग दा लिविंग दा आपस दा इंटरैक्शन इज द इकोसिस्टम, इट फॉर्म्स द इकोसिस्टम, ठीक है जी। बायोम की होंदा है, हुण बायोम तुसीं टर्म तां जरूर सुनी होनी है, पर इह होंदा की है, एक तरह का इकोसिस्टम होंगे जो स्प्रेड होंगे लार्ज एरिया,
ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੀ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਨ ਐਂਡ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਲੋਰਾ ਐਂਡ ਦਾ ਫੌਨਾ ਫਲੋਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਫੌਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਨੀਮਲਸ ਆਫ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਇਓਮ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਪਰੈਡ ਓਵਰ ਦਾ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਹੁਣ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮ ਟੋਟਲ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਬਾਇਓਮਸ ਫਰੋਮ ਅ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਬਾਇਓਮਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਇਨਵੇਟਿਡ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਰੀਜਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਡਿਮਾਰਕਡ ਐਂਡ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡੀਅਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਰੀਜਨ ਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਡਿਮਾਰਕਡ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਡਿਮਾਰਕਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਸਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ ਓਕੇ ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਆਫ ਦਾ ਇਕੋਲੋਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਆਫ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਦਾ ਆਟੋ ਇਕੋਲੋਜੀ ਯਸ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਇਕੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਐਵਰੀ ਸਟੇਜ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਟੋ ਇਕੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਸਟੇਜ ਆਫ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਟੋ ਇਕੋਲੋਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿਨੇਕੋਲੋਜੀ ਸਿਨੇਕੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਿਨੇਕੋਲੋਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੀਅਰ ਸਿਨੇਕੋਲੋਜੀ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ ਆਟੋ ਇਕੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਸਿਨੇਕੋਲੋਜੀ ਦੇਰ ਆਰ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਦਾ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦੀਸ ਆਰ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਆਫ ਦਾ ਇਕੋਲੋਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈਬਿਟੇਟ ਤੇ ਨੀਕੇ ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਟਰਮਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਸਟ ਵੇਟ ਡੀਅਰ ਵੇਟ ਵੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮ ਟੋਟਲ ਆਫ ਆਲ ਬਾਇਓਟਿਕ ਐਂਡ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਤੇ ਬਾਇਓਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਐਨ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸਟੱਡੀਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਵੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਟ ਦਿਸ ਵੇਸ ਸੈਵਰਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਯਾ ਟ੍ਰੀ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਠੀਕ ਜੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਦਰ ਵੈਦਰ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਦਰ ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਡੀਅਰ ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਵੈਦਰ ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵੈਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਵੈਦਰ ਕੈਸਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਨੀ ਵੈਦਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਮੰਥ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਲਈਏ ਦੈਟ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਸੱਚ ਐਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਰੇਨਫਾਲ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਕਲਾਉਡ ਕਵਰ ਐਂਡ ਵਿੰਡ ਐਟਸੈਟਰਾ ਐਟ ਦਾ ਗਿਵਨ ਪਲੇਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਆਰਲੀ ਡੇਲੀ ਐਂਡ ਵੀਕਲੀ ਚੇਂਜਸ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦਾ ਵੈਦਰ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਨ ਐਨੀ ਆਫ ਦੀਸ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਲਿਟਲ ਇਫੈਕਟ ਵੈਦਰ ਦਾ ਲਿਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲੋਰਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫੌਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਇਸ ਬਹੁਤ ਲਿਟਲ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗੇ ਵਿਦ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਨੀ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਦਰ ਆਫ ਐਨ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਵਰੇਜ ਹਨਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 1 ਮੰਥ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਈ ਟੂ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਮੇਜਰਲੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਦਾ ਰੇਨਫਾਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੈਕਟਰਸ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨ ਟਰਨ
latitude of that particular region, then definitely latitude te naal pata chalda hai ki kinni solar radiations aa rahi hai. Solar radiations de naal temperature te rainfall definitely affect karde. So climate de vich sare factors include ho jande ne. Eh ek average weather da record hunda hai climate. ठीक है जी. सो क्लाइमेटिक जोन्स प्रेजेंट होंगे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड आर्कटिक एंड एंटार्कटिक. ठीक है जी. इट इज बीइंग 0 टू 20 डिग्री लैटिट्यूड इट इज द हाई है ना जी. सब ट्रॉपिकल 20 टू 40 डिग्री टेम्परेट 40 टू 60 डिग्री एंड आर्कटिक एंड एंटार्कटिक इज द 60 टू 80 डिग्री. क्लियर. सो दीज आर द क्लाइमेटिक जोन्स. नाउ टेंपरेचर डिक्रीजेस हूँ कहते कि टेंपरेचर डिक्रीज करता विद द इंक्रीज इन लैटीट्यूड. जिमें जिमें हाइट वधदी हैगी जिमें हुण तुसीं कह सकते हो लैटीट्यूड एल्टीट्यूड हाइट माउंटेन्स के अंदर टेंपरेचर उत्थे ठंडा हुंदा है गर्म हुंदा है तां टेंपरेचर उत्थे की हुंदा है घट हुंदा है ठंडी ठंड ज्यादा हुंदी है. सो कहते टेंपरेचर डिक्रीज करता रहिंदा जिमें जिमें लैटीट्यूड या एल्टीट्यूड इंक्रीज हुंदा रहिंदा. इन ट्रॉपिकल रीजन माउंटेन. ठीक है जी. All the photoclimatic zones are present. Tropical region de vich mountains de utte alpine, temperate, subtropical, tropical or climatic zones are present. But temperate zone di mountains de utte do hi climatic zones present hunde ne. Kede kede? Alpine te temperate. Ethe do present hunde ne, subtropical te tropical present nahi hunde. Theek hai ji. सो नैक्सट टर्म हैगी जी आप पढ़ा दिस इज द माइक्रोक्लाइमेट. माइक्रोक्लाइमेट की होंगे क्लाइमेट कंडीशन प्रिवेलिंग एट द लोकल स्केल और द इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और द इमीडिएट सराउंडिंग्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज द माइक्रोक्लाइमेट. इंटीरियर ऑफ द फॉरेस्ट इज मोर ह्यूमिड देन अ नियर बाय नॉन फॉरेस्टेड एरिया देन द नियर बाय नॉन फॉरेस्टेड एरिया. कहते माइक्रोक्लाइमेट की होंगे प्रिवेलिंग लोकल लेवल से अगर आप गल करते इमीडिएट सराउंडिंग प्लांट द एनिमल दिस इज द माइक्रोक्लाइमेट. Interior of the forest is more humid than the non-forested area. So this is the microclimate. ठीक है जी. Next is the habitat. Habitat क्या होता है? कहते place occupied by the entire biological community. मतलब वो कितने रह रहे हैं? Place occupied by is the that is the entire biological community. Example here is the pond, desert, river and the valley. Pond, desert, river and the valley. Next is the microhabitat. The part of the habitat having a specific property. Having the specific property, example the edge of the pond, forest floor, tree trunk, etc. This is the micro habitat. ठीक है जी. So next है क्या जी नीके, which is very important. Ecological नीके पता होना चाहिए. तो इस term किसने दी थी से अपन ये भी होना पता होना चाहिए. कहते एक रेफरेंस नू की करते नीक की होंगे नीके. इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक प्लेस इन अ हैबिटेट पर्टिकुलर प्लेस इन अ हैबिटेट ऑक्युपाइड बाय द स्पीशीज वेयर कैन शो अलर्ट एक्टिविटी मेजर मतलब जिथे वो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज शो कर सकते हैं एंड इज कैरेक्टराइज बाय द टाइप ऑफ द फूड अवेलेबल. हूँ किसके ऊपर डिपेंड करते कहते नीके की होंगे एक स्पीशीज का पर्टिकुलर स्पेस पर्टिकुलर हैबिटेट जिथे वो रह रही है एक रीजन दे विच कह दो कि पर्टिकुलर एड्रेस जिवें अपने घर का एक पर्टिकुलर एड्रेस होंदा उसे तरह कहिंदे एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय. हुण इह किवें पता चलदा कि उहनां दा पर्टिकुलर घर होना चाहिए यही उहनां दा घर होना चाहिए जिथे फूड की अवेलेबिलिटी ज्यादा होएगी लाइट की अवेलेबिलिटी जिनी उहनां नूं चाहिए उस अकॉर्डिंग होएगी ते रेंज ऑफ टॉलरेंस की है इन्हां सारियां चीज़ां नूं मिला के उहनां दा घर डिसाइड होंदा ते उह पर्टिकुलर उसे ही स्पेसिफिक प्लेस ते पाए जांदे ने एक पर्टिकुलर हैबिटेट दे विच दैट इज द नीकी. हैबिटेट सपोर्ट्स एक हैबिटेट दे विच बहुत सारियां स्पीशीज रह सकदियां ने एंड हैव मेनी नीकेज बट कहिंदे बट दोस नो टू स्पीशीज कैन ऑक्युपाई द सेम नीके मतलब सेम हैबिटेट दो स्पीशीज दा नहीं हो सकदा. दो स्पीशीज एक घर दे विच नहीं रह सकदियां अलग अलग स्पीशीज एक घर दे विच सेम स्पीशीज नो टू स्पीशीज कैन ऑक्युपाई द सेम नीके मतलब मान लो कि दो स्पीशीज हैगियां ने और अलग अलग ही रहनियां और सेम नीके ते बिलोंग नहीं कर सकदियां. हुण इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस की होंदा है कहिंदे टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट ऑक्युपाई द सेम नीके. कहिंदे मैं क्या कि सेम टू नो टू स्पीशीज कैन ऑक्युपाई द सेम नीके बट कहिंदे ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट जो अलग अलग हैबिटेट दे विच रह रहे ने उहनां दा सेम नीके हो सकदा है. जिहड़े एक ही हैबिटेट दे विच रह रहे ने दो स्पीशीज दा सेम नीके नहीं हो सकदा बट दो अलग अलग हैबिटेट दे बिलोंग करन वाले ऑर्गेनिजम्स उना दा सेम नीके हो सकदा है. सेम नीके हो सकदा है जे बोथ ऑल द कैट फीड करदे ने श्रूयूस ते माइस ते. ठीक है जी.
सो नेक्स्ट है जी अपना ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरमेंट. होपफुली ना क्लियर होने, स्टिल एनी डाउट तो तुसी क्लियर कर लेना है जी. ठीक है जी. सो ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरमेंट, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरमेंट की गल करिए, इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज द फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डिफरेंट फिजियोलॉजिकल आर अडैप्टेड. जस्ट वेट हियर, वेट वेट वेट. इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल डिफरेंट. जस्ट वेट 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 वेट. हाँ जी, ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी बिकॉज जस्ट वेट. हाँ जी, हेयर इज अ मिस्टेक बिकॉज because it explains here is the missing one likh lo dear. ecology at the organismic level, organism level te jikar apa ecology di gal kariye ta apa usnu physiological ecology vi keh dende ne. ki keh dende ne dear? physiological ecology vi keh dende ne, physiological ecology vi keh dende hege. theek hai ji, because ek hi explain kardi hege because it explains. क्योंकि इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल एक्सप्लेन करेगी कि हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर अडैप्टेड. कहने क्योंकि एक ही एक्सप्लेन करेगी हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर अडैप्टेड टू देयर एनवायरमेंट फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन. सो हियर इज द मिसिंग वन, राइट डाउन फ्रॉम हियर. इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल is also called the physiological ecology because they are because it explain ki kive ek different organisms adapt hunde ne to their environment for survival and the reproduction. okay, so climate of a particular region is also affected by the two factors, is affected by the two factors, that is temperature and the rainfall. kende climate hun agar apa gal kariye organism and its environment, the environment de vich agar apa gal kariye kende jada climate hunda majorly do factors de naal to hunda effect hunda, temperature and the precipitation. so annual variation in the intensity and duration of the temperature and annual variation in precipitation are responsible for the formation of the major biomes. hun kende that what they are going to say is the kende just wait. haan ji, tusi dekh sakde ho taadi screen te hun thoda clear vi hega. annual variation de naal hon de naal naal annual variation honi intensity de vich, duration of temperature, annual variations in the precipitation rain de vich, they are responsible for the major biomes. kyunki je rain ho rahi hai तो डेफिनेटली ओरिजिन कुछ और होएगा, जिथे वाटर प्रेजेंट नहीं होगा वो डेजर्ट एरिया हो जाएगा. ठीक है, इट फॉर्म्स अ मेजर बायोम्स लाइक डेजर्ट फॉरेस्ट, डेसीडियस फॉरेस्ट एंड तुंद्रा. सो हियर अकॉर्डिंग टू द प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर देयर आर द डिफरेंट रीजंस व्हिच आर प्रेजेंट ओवर हियर. ठीक है जी, आर्कटिक एंड अल्पाइन रीजन डेजर्ट एरिया ग्रासलैंड दे विच तुसी देख सकते हो कि कितनी रेन ते कितना टेम्परेचर होना चाहिए. कॉनिफेरस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ठीक है जी, सो हियर अकॉर्डिंग टू द रेनफॉल इट इज गिवन. सो रीजनल एंड द लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम फॉर्म्स द डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट. कहने रीजनल ते लोकल वेरिएशन होना, रीजनल एक रीजन दे विच वेरिएशन होनी या लोकल लेवल ते वेरिएशन होनी विद इन ईच बायोम फॉर्म्स द वैरायटी ऑफ द हैबिटेट. एक ही फॉर्म करते ने जी, वैरायटी ऑफ हैबिटेट फॉर्म करते ने, दैट इज प्लेस ऑक्युपाइड बाय द पॉपुलेशन और एन एंटायर बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ द इंडिया. On this planet, जिकर अपन गल करिए planet की, life not only exists in the favorable habitats, ये नहीं कि जिथे favorable habitats से सिर्फ life होते ही exist कर दिए, but
ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹਾਰਸ਼ ਹੈਬਿਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਡੈਜ਼ਰਟ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਅਡਾਪਟਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿੰਗ ਸੋਕਡ ਮੇਘਾਲਿਆ ਫੋਰੈਸਟ ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਡੀਪ ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਟ੍ਰੈਂਚਸ ਹਾਈ ਮਾਊਂਟੇਨ ਟਾਪਸ ਬੋਇਲਿੰਗ ਥਰਮਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਕੰਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਫ੍ਰੋਸਟ ਪੋਲਰ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਇਵਨ ਦ ਆਰ ਇੰਟਸਟਾਈਨ ਆਪਣੀ ਇੰਟਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਨਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਐਨਰੋਬਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਟਿਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ So the most important environment factor which are cause of the physical and the chemical conditions of the different habitats are temperature, water, light and the soil. So these are the four factors temperature, water, light and the soil which we study in detail definitely. Habitat include not only the abiotic physiochemical components but also the biotic components like pathogens, parasites, predators and the competitors of the organism with which they interact the constantly. Hun agar aap gal kariye ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਸਟ ਵੇਟ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਬਿਟੇਟਸ ਇੰਕਲੂਡ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਦ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਾਇਓਟਿਕ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਟ ਆਲਸੋ ਦ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਇਓਟਿਕ ਵੀ ਇੰਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਥੋਜਨ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰਸ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਆਫ ਦ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਅ ਟਾਈਮ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈਡ ਥਰੂ ਦ ਨੇਚਰਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ organism had through the natural selection natural selection hundi hai which is evolved adaptation for their survival and reproduction in the different types of the habitat in the different types of the habitats so unna pa gal karange sab to pehla major abiotic factors di fir jado abiotic factors complete kar le ta apa fir biotic di biotic naal bhi interaction study karange theek hai ji shuru apa major abiotic factors to karange matlab living non living factors to apa discuss karna shuru kar ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਸੋ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਗਰੀ ਹੌਟਨੈਸ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੋਲਡਨੈਸ ਆਫ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਥਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਰੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਗਾਥਰਮਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਤੋਂ 24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟੈਂਪਰੇਟ ਵਨ ਮੀਜ਼ੋਥਰਮ 7 ਤੋਂ 17 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਮਾਈਕਰੋਥਰਮ ਆਰਕਟਿਕ ਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ 7 ਡਿਗਰੀ ਹੈਕਿਸੋਥਰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈਕਿਸਟੋਥਰਮ ਇਜ਼ ਦ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਗਾਥਰਮ ਟੈਂਪਰੇਟ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਥਰਮ ਆਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਜ਼ਨਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵਲੀ ਫਰਮ ਇਕੁਏਟਰ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਪੋਲ ਐਂਡ ਫਰਮ ਪਲੇਨਸ ਟੂ ਦ ਮਾਊਂਟੇਨ ਟੌਪਸ ਦੇਰ ਆਰ ਹਾਊਐਵਰ ਯੂਨੀਕ ਹੈਬਿਟੇਟਸ ਸੱਚ ਐਸ ਦ ਥਰਮਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਐਂਡ ਡੀਪ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋਥਰਮਲ ਵੈਂਟਸ ਵਿਦ ਅ ਲਾਰਜ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਕਸੀਡਸ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰ ਆਰ ਹਾਊਐਵਰ ਯੂਨੀਕ ਹੈਬਿਟੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਐਸ ਥਰਮਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਡੀਪ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋਥਰਮਲ ਵੈਂਟਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੇਰ ਜਿੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗਵਰਨਸ ਦ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨੀ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂਗੋ ਟ੍ਰੀ ਡੂ ਨਾਟ ਐਂਡ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗਰੋ ਇਨ ਦ ਟੈਂਪਰੇਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਦ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਜਰਮਨੀ ਮੈਂਗੋ ਟ੍ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਟੈਂਪਰੇਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਠੰਡ ਹੈ ਸਨੋ ਲੇਬਰਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਫੋਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਟਿਊਨਾ ਫਿਸ਼ ਰੇਅਰਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਬਿਯੋਂਡ ਦ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਨ ਦ ਓਸ਼ੀਅਨ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਨਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗ੍ਰੇਟਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਆਫ ਦ ਐਂਜਾਈਮਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਐਂਜਾਈਮਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਥਰੂ ਇਟਸ ਬੇਸਲ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ organism which can endure the large fluctuations in temperature and can tolerate the wide range of temperature are called the eurythermals un important hai ji kehnde aise organisms jo large fluctuations temperature diyan nu tolerate kar sakde ne they are known as eurythermals example here is the artemisia plants of the temperate region matlab jehde bahut zyada temperature di variation nu tolerate kar sakde ne most of the organisms are restricted to the narrow range hun bahut sare aise ne jo narrow range of temperature ch survive kar sakde ne these are known as stenothermals these are known as the
स्टीनोथर्मस अगर आप एग्जाम्पल की गल करिए पाम्स प्लांट्स इन द वार्म ट्रॉपिक्स इज इट्स एग्जाम्पल। ठीक है जी, करिए नेक्स्ट, करिए जी शुरू नेक्स्ट वन। क्लियर है क्या जी? ठीक है जी, सो लेवल्स ऑफ द थर्मल टॉलरेंस ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, इन रीसेंट ईयर्स एन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। हम कहते हैं रीसेंट ईयर्स दे विच की हुंदा डियर की इंक्रीज कर रहे हैं, ग्रेजुअली जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। इट इज गोइंग टू इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ मैनी स्पीशीज पर्टिकुलरली द स्टीनोथर्मल्स। डेफिनेटली स्टीनोथर्मल्स को ज्यादा इफेक्ट करते हैं क्योंकि यूरीथर्मल्स का वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर बियर कर सकते हैं बट स्टीनोथर्मल नहीं कर सकते, स्टीनोथर्मल नहीं कर सकते। ठीक है जी, सो करिए जी कंटिन्यू अगे फर्दर, तुसी डाउट होंगे तो तुसी क्लियर कर लेने हैं जी। ठीक है जी, नाउ द स्क्रीन इज विजिबल टू यू, यू कैन सी इट प्रॉपरली। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हूँ इफेक्ट की है जी टेम्परेचर का, किस दे बारे गल करांगे, इफेक्ट की है टेम्परेचर का। ठीक है जी, टेम्परेचर इफेक्ट्स द ग्रोथ मेटाबॉलिज्म। टेम्परेचर किस किस में इफेक्ट करता है जी? ग्रोथ नू, मेटाबॉलिज्म नू। ठीक है जी, इफेक्ट करता ग्रोथ, ग्रोथ मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, सेक्स रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन, कलरेशन, बिहेवियर एंड द मॉर्फोलॉजी। टेम्परेचर इन सारिया चीजा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट जरा है जी अपना अबायोटिक सेक्टर, वह है वॉटर। नेक्स्ट आप किन्ने बारे डिस्कस करेंगे जी? वाटर बारे गल करें जो कि एक की है जी, एक अबायोटिक फैक्टर है। की है जी? अबायोटिक फैक्टर है, वाटर इज ऑल्सो द अबायोटिक फैक्टर। ठीक है जी, सो कहते नेक्स्ट टू द टेम्परेचर, हाँ जी नेक्स्ट टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर की अगर आप गल करिए नेक्स्ट टू द टेम्परेचर वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो कई बार सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है वाटर आ जाता है। फर्स्ट इज द टेम्परेचर दैट इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। प्लांट्स एंड एनिमल्स शो द मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इन द एरिया एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंजर्विंग द ऑब्टेन्ड वाटर। प्लांट्स ऑफ द ड्राई एरियाज के प्लांट्स में आप ज़ेरोफाइट्स कह देने, दीज प्लांट डेवलप द मॉडिफिकेशन टू इंक्रीज द वाटर एब्जॉर्प्शन, रिड्यूसेस ट्रांसपीरेशन एंड मे ऑल्सो स्टोर द वाटर। हूँ अगर आप गल करिए ज़ेरोफाइट्स की, कहते ऐसे प्लांट्स जो ड्राई कंडीशन रह सकते हैं बिना वाटर, दीज आर नॉन एज द ज़ेरोफाइट्स। दीज प्लांट्स डेवलप द मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफाई होए होंगे ने, दीज डेवलप द मॉडिफिकेशन। ठीक है जी, सो इन दी मॉडिफिकेशन हुई होंगी है फॉर द दैट इज दे हैव द मॉडिफिकेशन टू इंक्रीज द वाटर एब्जॉर्प्शन, रिड्यूसेस द ट्रांसपीरेशन एंड ऑल्सो दे कैन स्टोर द फूड वाटर। सो प्रोडक्टिविटी द डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप गल करिए प्लांट्स से डिपेंड करती है वाटर से। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स ऑल्दो लिविंग इन वाटर ऑल्सो फेस द वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ते उन्हां दे कोल भी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जांदियां ने, सो दे शो द अडैप्टेशंस फॉर दीस। जिवें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम इज कंट्रोल्ड बाय द क्वालिटी ऑफ द वाटर लाइक द पीएच। हुण वाटर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम दी डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस ते होएगी? सारे एक्वाटिक है, पानी तो हर जगह ही प्रेजेंट है, एक्वेटिक है ना, बट कहते क्वालिटी ऑफ वाटर का फर्क पैंता। लाइक पीएच, पीएच किन्नी हैगी है, कोई प्लांट्स अते एनिमल्स इस पीएच दे विच सर्वाइव कर सकते हैं ते अदर इन्हां दे विच सर्वाइव नहीं कर सकते। सॉल्ट कंटेंट एंड द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। नेक्स्ट है जी सॉल्ट की कंसंट्रेशन मेजर एज द सैलिनिटी इम्पार्ट्स पर थाउजेंड इज लेस देन 5 degree 5% in inland the water depth, 30 to 35% in sea and more than 100% in some hypersaline lagoons, jinde vich bahut sara salty water paya janda hai. Kende some organism hun kende ese tarah jive temperature da si, kende kuch organism ki karde ne, are able to tolerate a wide range of salinity, matlab salty water nu kende bahut wide range tak bear kar sakde ne, jinna vi salty water hove they are able to live. These are known as urihaline or urethermal, see, a haline ho janda, but other which are restricted to the narrow range are the stenohaline. Suno bakki keh dene stenohaline keh dene. A freshwater organism cannot live in the sea. A freshwater organism cannot live in the sea or the marine organism in freshwater because they are adapted to maintain their osmotic concentration. बिकॉज उन्होंने खुद ने इस तरह अडेप्ट किया हुआ है मेनटेन देयर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन
against the particular concentration in the aquatic medium. So plants of the aquatic habitats, hun jehde plants hunde ne aquatic habitats the, unna nu apan dear ki kehne hydrophytes kehne. ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋਫਾਈਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕੁਆਟਿਕ ਹੈਬਿਟੇਟਸ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋਫਾਈਟਸ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸਾਲਟ ਕੰਟੈਂਟ ਡੈਪਥ ਐਂਡ ਦਾ ਵਾਟਰ ਵੇਵਸ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦਾ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਇਹ ਕੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਈਟ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਟਰ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ light the light is very important for the phototrophs since these plants produces food through the photosynthesis ek hi produce karte hain food through the photosynthesis light the help mein the availability of the light on land is closely linked with that of the kyunki the availability light of land the light on land ki kinni land te present hai ek is nal closely linked hundi hai with the temperature because sun which is the source of the light also produces the provides the radiation energy kehne hun availability of the land kinne nal closely linked hai temperature de naal kyunki sun hi hai jo the source of light te a radiations bhi provide karda hai temperature increase or decrease karan de vich ve radiations help karde hai so they are linked with each other so all living organisms are dependent on the solar energy directly or indirectly kehne ultimately agar apa gal kare ki सारे दे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सोलर एनर्जी पे डिपेंड करते हैं कुछ प्लांट्स लाइक हर्ब्स एंड शर्ब्स ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट अंडर द शेड कहने कुछ प्लांट्स सम प्लांट्स हर्ब्स एंड श्रब्स ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट अंडर द शेड ऑफ द बिग ट्रीज कैन शो द फोटोसिंथेसिस इवन अंडर द लो लाइट इंटेंसिटी कहने कुछ प्लांट्स जो कि ग्रो करते हैं फॉरेस्ट दे विच अंडर द शेड ऑफ द बिग ट्रीज दी शेड दे विच कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं फोटोसिंथेसिस शो करते हैं कहने लो लाइट इंटेंसिटी ते भी वो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं एंड एडिशन टू द फोटोसिंथेसिस लाइट आल्सो इन्फ्लुएंसेस मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लांट्स दीज आर एज फॉलोस कहने इन एडिशन टू द फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस दे एडिशन दे विच लाइट आल्सो अफेक्ट द इन्फ्लुएंस कुछ होर अदर इफेक्ट्स नो इफेक्ट पांदे है कि जिवें कि ग्रोथ ते टेंपरेचर ते ट्रांसपिरेशन ते जर्मिनेशन मूवमेंट फोटोपीरियोडिज्म लाइट इन सारा चीजों नु भी इफेक्ट करती है कि ठीक है जी क्योंकि लाइट इंक्रीजेस टेंपरेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस फोटोपीरियोडिज्म मूवमेंट शो करते हैं फोटोपीरियोडिज्म फ्लारिंग उस हिसाब नाल होंगी लाइट के अकॉर्डिंगली सो बहुत सारिया चीजा इफेक्ट करती है प्लांट दे विच प्लांट दे विच अगर आप एनिमल्स की गल करिए फॉर मेनी एनिमल्स लाइट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट किस दे लिए पिगमेंटेशन दे लिए ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕਿ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੜੋ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਦ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਬਟ ਰਿਲੀਜ਼ਸ ਦ ਸਾਬਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਲਾਨਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਡਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡੇਲੀ ਰਿਦਮਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਬੀਨ ਇਫੈਕਟਡ ਇਨ ਦ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੋ ਦੀਸ ਆਰ ਦ ਡੇਲੀ ਰਿਦਮਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਬੀਨ ਇਫੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦ ਲਾਈਟ ਬਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ animal breeding hibernation is also being all these also being affected with the light in the animals so ye dono de vich effect karde light te matlab light plants te animals de vich so animals use animal de agar apa gal kariye use the diurnal and the seasonal variation in the light intensity and change in duration of the light as the signal for timing of foraging reproductive and migratory activities kende kuch diurnal te seasonal variations light intensity na show kitiya jandiyan change in duration of the light as well kende change in duration of light de vich jado duration de vich change aanda signal di tarah kaam karda hai ge for foraging ya reproductive ya migratory activities de liye so kende spectral quality of the solar radiation is also important ki hor ki important hai ge dear haan ji so next agar apa gal kariye the spectral quality solar radiation di is also important for living organism ek important hundi hai living organism di uv part of the spectrum is harmful for hun jive ki solar radiation is ek important hai kya living organism de layi us vich jehda uv radiation wala spectrum hunda eh harmful hunda bahut sare organisms all wavelengths of the visible spectrum are not available to the marine plants hun sari di sariyan visible spectrum ta available ho vi nahi sakde marine plants te marine plants live in different depths in the ocean depending upon the availability to absorb ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਰਾਈਨ ਪਲਾਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਿਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੈਪਥ ਦੇ ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦ ਲਾਈ ਅਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ
ठीक है जी, इज द एबिलिटी टू अब्सॉर्ब. सो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज अवेलेबल एट द डिफरेंट डेप्थ्स. हम कहने एक सी हैगी है तो डिफरेंट एंड ऑब्वियस जो बिल्कुल बॉटम तक जाओगे आप तो लाइट अवेलेबल नहीं होगी, पर अपर रीजन से अवेलेबल होगी सरफेस से. सो कहते डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट डिफरेंट डेप्थ से अवेलेबल होंगी. फॉर एग्जाम्पल रेड एल्गी इज एबल टू ग्रो इन डीप सी वाटर. रेड एल्गी बहुत डीपली ग्रो कर सकते बिकॉज इट कैन एब्जॉर्ब द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ द लाइट. ऑल्दो सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट डीप इन ओशन देयर इज perpetual darkness. Definitely उधर darkness होएगी है ना. Organisms living in such environment, जेटे organism ऐसे environment जब इस रहने नहीं, which are never exposed to sunlight. कुछ organisms ऐसे भी नहीं. Obtain energy, वो कितना obtain कर देने? From dead bodies of the plants and animals, जो कि bottom से set हो जाने हैं after death. से उन्हें तो light, उन्हें तो energy absorb कर लेने. So light के basis से different zones are present in the lake. जिमें कि सब तो bottom वाला भी थे light दिन से सब तो low होएगी. This is known as benthic zone. Benthic zone de upar profundal zone is present. Okay ji, hun level of light is tarah increase kar raha hai light ke profundal. Niche jaawange ta decrease kar. So sab to ghat hoegi lithic zone de vich, fir prefrontal, dysostic zone, euphotic photic zone, the littoral zone. So these are the different zones. These are the littoral which is actually at the coastal areas tusi keh sakde ho. Jekar avan seedhe vich gal kar, this is the limnatic zone. Limnatic zone de under different zones present hai gene euphotic, dysphotic, profundal and the benthic zone. Is it clear to you dear? Is it clear to you? Clear hai gaya ji? Is it clear to you? Theek hai ji. So hun apan inna zones bare gal karange. Hun apan inna zones bare gal karange. जोन तुसी देख सकते हो स्क्रीन से बहुत ही क्लीयरली विजिबल है जोन है कि लिटोरल जोन ते लिमनाटिक जोन. पहला तो लिटोरल ते लिमनाटिक नो देखो लिटोरल ते लिमनाटिक कितने प्रेजेंट होंगे, फिर लिमनाटिक दे अपने को फर्दर डिविजन प्रेजेंट है. तो अगर आप गल करिए लिटोरल जोन कहते शैलो कोस्टल जोन जो कोस्टल एरिया से पाए जाते हैं एक्सपोज टू द वेव एक्शन जितने वेव्स आ गई रूटेड वेजिटेशन हैगी है. प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स अपीयर फ्रॉम सरफेस टू द बॉटम. सरफेस तो निकल के बॉटम से भी आ जाते हैं क्योंकि पानी इन्ना इन्ना ही प्रेजेंट है गया, सिर्फ वेव्स आ रही हैं. नेक्स्ट है लिमनाटिक जोन, इट इज द ओपन वाटर जोन वेयर द वाटर इज डीप, जिसे वाटर दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री जोन्स, फोटिक जोन, यूफोटिक जोन, डिसफोटिक जोन. ठीक है जी, इट इज द रीजन अप टू विच लाइट कैन पेनिट्रेट, जिस विच लाइट जा सकती है. प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर प्रेजेंट होंगे. हुन फोटिक जोन दो तरह के होंगे ने, euphotic and the dysphotic. So number one photic zone again, photic, euphotic te dysphotic do zone present hai. Hun main tanu dikha deni hai, this is the, you can see over here in the diagram. Photic zone is euphotic and dysphotic, the second one is profundal, then the benthic zone is present. Euphotic ki kehnda hai jo ki vary karda hai from 20 to 40 meter in distributed region and about 80 meter in the calm waters. Phytoplanktons grow in the abundance in this region. Dysphotic represent karte hain lower part of the photic zone. Phytoplankton survive but not flourish. If a phytoplankton survive the cut karte but flourish nahi karte. Euphotic that is the profundal zone. No light, no producers but consumer only are there. Profundal no euphotic bhi kehte hain, dark bhi kehte hain, abyssal bhi kehte hain. Next I get here benthic zone. It is the bottom zone. सब तो ज्यादा बॉटम से पाया जाने वाला जोन है. कितने पाया जाने वाला है? बॉटम से पाया जाने वाला जोन है. जोन बेंथिक ऑर्गेनिजम्स लाइक इज की होंगे बॉटम जोन दे विच बेंथिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे. दैट इज बेंथिक जोन दे विच बेंथिक ऑर्गेनिजम्स लाइक स्नेल, स्लग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने पाए. इन डीप सीज एंड बेंथिक एनिमल्स आर ऑफन द ल्यूमिनेंस. ल्यूमिनेंस की होंगे, दे हैव द एबिलिटी टू ग्लो. जिमें जुगनू रात को चमकते हैं उस तरह ल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी कह रही. कुछ एनिमल्स को ल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी होंगी है मतलब वो रात को चमकते हैं दे हैव दिस सेकंड प्रोड्यूस टू ओनली. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेंथिक जोन. सो अब अबायोटिक फैक्टर्स दे विच टेंपरेचर, वाटर ते लाइट जड़े मेजर तीन फैक्टर्स ने आप कर चुके हैं. सो टुमारो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन दैट इज द सॉइल. कल आप सॉइल तो फॉरवर्ड ऑन करा जो कि नेक्स्ट अबायोटिक फैक्टर है जिसके बेसिस से डिफरेंट तरह की सॉइल के ऊपर डिफरेंट तरह की डेफिनेटली वेजिटेशन भी डिफरेंट तरह की पाई जाएगी. ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू यू, बाय डियर.
सो वी विल डू इट अगेन. ठीक है जी, जेकर कोई भी डाउट होवे ड्यूरिंग द लेक्चर यू कैन आस्क इट. ओके सो बाय, थैंक यू, बाय जी.